हम लोग जरूर उन्हें बताएंगे कि आप हमारी मांगों पर गौर करें। इस दिशा में जब ये धरना स्टार्ट करना था उससे पहले 13 तारीख को हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें भी आप सब महानुभाव सभी बंधु पधारे थे और हमने एक निर्णय किया था कि 15 अगस्त को सारी ग्राम पंचायतें प्रस्ताव लेगी कि हम नव सज्जित सांचौर जिले में शामिल नहीं होना चाहते और हमें भीनमाल को जिला बनाकर जिले भीनमाल में शामिल किया जाए या फिर हमें यथावत जालौर जिले में रखा जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को, सभी ग्राम पंचायत के वार्ड पंच और सभी ग्राम के निवासियों को जिन्होंने ये काम 15 अगस्त को ही किया। सारी ग्राम पंचायतें धन्यवाद की पात्र है और मैं पुनः उनका आभारी रहूंगा कि आपने एक आह्वान पर ये बड़ा काम किया और यही काम हमारे इस मिशन में बहुत बड़ा योगदान देगा और इन्हीं कागजों के बेस पर हम आगे जाएंगे और हम जीतेंगे। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव लगभग आ चुके हैं और कुछ ग्राम पंचायतों के बाकी है, उन्होंने भी कहा है कि हम एक या दो दिन में ये सारे के सारे प्रस्ताव आपको लाकर देंगे और हम आगे की कानूनी कार्रवाई से भी लड़ सकेंगे और कानूनी कार्रवाई को भी हम करेंगे। उस मीटिंग में ये निर्णय किया गया कि 17 अगस्त से हम धरना देंगे और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। हमने 17 अगस्त से धरना आम रानीवाड़ा की जो आवाम है, जनता है, उनके सहयोग से हमने 17 अगस्त को पहले दिन धरना दिया। कल रानीवाड़ा ग्राम पंचायत और रानीवाड़ा नगर पालिका और रानीवाड़ा व्यापार संघ की तरफ से कल का धरना दिया गया और भारी तादाद में लोग इस धरने में आए और कई लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की कि हम सांचौर में क्यों नहीं रहना चाह रहे। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, इस धरने में सारी जनता, सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे बड़े के बड़े से बड़े नेताओं का समर्थन है। धरने के पहले दिन अपने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब पधारे और उन्होंने निवेदन किया कि जहां पर मेरी जरूरत पड़ेगी, जहां मुझे साथ में चलना होगा, जहां मुझे किसी से बात करनी होगी, मैं आपके साथ हूं और मैं भी चाहता हूं, मेरा भी मन दुखी है कि हमें सांचौर जिले में शामिल किया गया जबकि हमें या तो भीनमाल को जिला बनाकर उसमें रखे या जालौर में रखे, इस हेतु जो भी निर्णय करने पड़ेंगे मैं करूंगा। और उन्होंने हमसे भी निवेदन किया कि आप अपनी मांगों पर अड़े रहो और अपनी कार्रवाई करो, मैं आपके साथ हूं। और उसके बाद में कल के धरने में अपने आदरणीय विधायक नारायण सिंह जी पधारे, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक रानीवाड़ा रतन जी देवासी भी पधारे। कल के धरने में रानीवाड़ा के प्रधान राघवेंद्र सिंह जी देवड़ा साहब भी पधारे। मैं उन तमाम नेताओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आदरणीय नारायण सिंह जी का भी धन्यवाद, आदरणीय रतन जी देवासी साहब को भी धन्यवाद और प्रधान साहब को भी धन्यवाद। इन तीनों जनों ने भी कहा कि हम आम भावना के साथ हैं और हमारी भी भावना भीनमाल को जिला बनाकर उसमें रखने या जालौर में रखने के साथ है और हम सब आपका समर्थन करते हैं। दोनों बड़े नेताओं नारायण सिंह जी और रतन जी ने कहा कि जहां पे भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ जरूर आएंगे, जहां बात करनी होगी, जहां हमारे साइन करने होंगे, जहां हमें लेटर देने होंगे हम देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन्हीं के समर्थन से हम आगे बढ़ेंगे और हमारी मांगे जरूर पूरी होगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधान साहब राघवेंद्र सिंह जी देवड़ा साहब, उन्होंने भी कल घोषणा की कि मैं अपनी पंचायत समिति से एक प्रस्ताव लूंगा और सारे पंचायत समिति सदस्यों से भी मैं प्रस्ताव लूंगा कि हम सब सांचौर जिले में नहीं जाना चाहते और हमें या तो यथावत जालौर में रखो या भीनमाल को जिला बनाओ। इस तरह का एक हम सब पंचायत समिति सदस्य भी आपको एक पत्र बनाकर देंगे और मैं पंचायत समिति में भी प्रस्ताव लेकर आपके समर्थन में ये बात करूंगा।
मैं तमाम उन सब चीजों का और इन सब नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि यही हमारी एक कड़ी है जो हमें आगे बढ़ाएगी। आज धरने का तीसरा दिन है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मालवाड़ा व्यापार संघ और आदरणीय सरपंच प्रदीप सिंह जी देवल साहब को। और आप तो सर, आपका तो समर्थन मैं क्या बात ही कहूं। जिस दिन से हमने ये आवाज उठाई थी उस दिन से प्रदीप सिंह जी हमारे साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर खड़े हैं। जो भी निर्णय हो, जो भी बात हो, आप सब बहुत भाग्यशाली है कि आपके सामने एक ऐसा सरपंच है, एक ऐसा बड़ा आदमी आपके साथ खड़ा है जो आपकी हर समस्या के लिए आपके साथ खड़ा है। और मैं तो आज उनका बहुत आभारी हूं कि आप जिस दिन से हमारी आवाज उठी थी उस दिन से हमारा समर्थन कर रहे हैं और हमारे एक एक काम में आप सहयोग कर रहे हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आगे सभी वक्ता अपनी बात रखेंगे और एक बात ये भी तय है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम लोग ये धरना निरंतर जारी रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। रानीवाड़ा संघर्ष समिति के तमाम सदस्यों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हर कड़ी में अपने साथ खड़े हैं और हम अपने उद्देश्य को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और एक चीज ये भी है, पीड़ा अपनी है, जिला नहीं बनाया तो हम दुखी है, लेकिन हमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि अपनी वाणी अपने शब्द पे भी अपने को थोड़ा कंट्रोल रखना है, संयम रखना है, क्योंकि संघर्ष काफी लंबा है। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।